बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपनी चैनल स्टिचिंग एम्पायर में। आज हम ये बेबी सूट है राम पर, इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपर बॉडी की कटिंग दिखाती हूँ। लंबाई जो है मैंने 10.5 इंच ली है और चौड़ाई में जो कपड़ा लिया है वो 7 इंच है। फ्रंट और बैक बॉडी दोनों को मैंने इकट्ठा फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर अब मैं तीरे की मार्किंग कर रही हूँ 4.5 इंच पर, और आर्म होल की जो कटिंग की मार्किंग कर रही हूँ वो 5 इंच पे। इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लिया है। और अब नीचे जो है मैं इसके चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पे, और यहाँ पे जो है वेस्ट पे 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, अब जो है आर्म होल की गुलाई ये आप देख लें, इस तरह सिंपल सी गुलाई है। ठीक है, ये करके मैंने फिर जो है आगे से ये गले का निशान लगाना है। 2 इंच जो है ये मैं चौड़ाई में ले रही हूँ गला, और 2 इंच ही मैं यहाँ पर गहराई में ले रही हूँ। चूँकि ये बैक गले की कटिंग है इसलिए ये 2x2 इंच की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ गले की। यहाँ से 1/2 इंच का जो है मैंने वो तिरछा निशान लगा लिया है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद ये इस तरह मैंने तिरछी कटिंग भी कर दी है इसकी। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाती हूँ जो फिटिंग लाइन है हमारी स्टिचिंग की, उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ। जो वेस्ट वाला हिस्सा है कमर वाला, वहाँ से भी ये मैंने 1/2 इंच की जो है इसकी तिरछे की कटिंग कर दी है। और अब जो मैंने गले का निशान लगाया था उसके ऊपर जो है ये मैं कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट और बैक जो है नेक दोनों को मैंने इकट्ठा काट लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट गले की, ये पीस जो हमने कटिंग कट किया था उसको मैंने वापस रखा है। और अब मैं ले रही हूँ फ्रंट गले की गहराई 3 इंच, और जो वेट है गले की चौड़ाई वो 2 इंच है। इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स तैयार करके मैंने इसकी फ्रंट गले की गोलाई दे के कटिंग कर ली है। अब ये आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक नेक में, ये देखिए डिफरेंस। और अब जो है मैं फ्रंट पार्ट जो है बॉडी का उसको बीच में से कट कर रही हूँ। ट्राउज़र की कटिंग की तरफ चलते हैं। ट्राउज़र जो है हमारे पास ये 19 इंच लंबाई में है, और यहाँ पे तकरीबन ये 7 इंच ही ट्राउज़र की जो है वो चौड़ाई मैंने ली है। आसन की कटिंग जो है 7.5 इंच पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और अब जो है मैंने वेस्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए जो बॉडी हमने कट की थी उसके वेस्ट की मेजरमेंट लेके फिर मैंने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। उसकी वजह यह है कि जब राम पर हम स्टिच करेंगे तो ज़ाहिर है हमने बॉडी, अपर बॉडी और जो ट्राउज़र है उसके वेस्ट को स्टिच करना है, तो वो बिल्कुल एक जैसे इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे मैंने ये देखे निशान लगा लिया है, 12.5 इंच हमारा वेस्ट का निशान था, वेस्ट का की मेजरमेंट थी बॉडी की, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी 12.5 इंच पे निशान लगा लिया है। डबल फोल्ड करके 6.5 इंच पे निशान लगाया है। और ये आसन की गोलाई दे के ट्राउज़र की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और पांचा यहाँ पर मैं 2 इंच फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ। ठीक है, और जो 5/6 की चौड़ाई है वो मैं यहाँ तकरीबन 6.5 इंच पे ले रही हूँ। इस तरह से 5/6 की का निशान लगा के ये मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे, तो इस तरह हमारी ये ट्राउज़र की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा वेस्ट पार्ट था, सॉरी जो बॉडी थी हमारी फ्रंट की जहाँ पे हमने इसको कट किया था, वहाँ पर ये मैं फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके 2 इंच जो है मैंने चौड़ाई में लिया है, और जितनी हमारे पास बॉडी थी उतनी ही लंबाई में लेके यहाँ पे ही मैंने इसके साथ इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ बारी आती है इसकी फोल्डिंग की, तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमने दोनों पीसीस की स्टिचिंग की सिलाई जो लगाई थी इसको फोल्ड करके बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपने जहाँ पे स्टिच करना है। ठीक है, दोनों पीसीस का ये सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इसी से जो है बटन टेक की यहाँ हमारी सफाई फिर आएगी। देखें, ये इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। अब ये बैक पार्ट जो है बॉडी का इसके ऊपर रख के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये जो हमने यहाँ बटन टेक पट्टी तैयार कर ली है फ्रंट पार्ट की, वो बिल्कुल इक्वल जो है बैक पार्ट के साथ रख के ये बिल्कुल एक जैसी आ रही है। ठीक है, ये इसी तरह से आपकी भी एक जैसी आनी चाहिए। अब गले की तरफ आते हैं, यहाँ ये मैंने स्टिच कर लिया है, और गले में हमने राउंड जो है वो एक फैब्रिक अटैच करना है। आड़ा फैब्रिक लेके मैंने कट किया है 1.5 इंच पर, और उसको फोल्ड करके यहाँ पे अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी ये नेक के साथ। ये देखें, मैंने स्टिच कर लिया है, और अब इसको प्रेस करती हूँ। प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आपने इसको गीला करना है पानी से, देन जो है गोलाई में इसरी को लेके गोलाई में चलाते हुए आपने इसकी प्रेसिंग करनी है। ये आप देख लें ये किस तरह से मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ और साथ साथ में प्रेस कर रही हूँ।
फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों की मैंने यहाँ प्रेसिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये नेक की फिनिशिंग आ गई है। आर्म होल पे भी मैंने वही तिरछा कपड़ा लेके तकरीबन 1.5 इंच का उसके साथ जो है आर्म होल की फिनिशिंग भी कर दी थी वहाँ अटैच करके। और अब ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने ट्राउज़र की जो आसन की सिलाई थी वो भी लगा ली थी। अब जो दोनों पीसीस जो हैं अपर बॉडी और ट्राउज़र हैं उनको हमने सीना है, तो सिलाई किस तरह करनी है मैं आपको बताती हूँ। ट्राउज़र आपने उल्टा रखना है और जो बॉडी है अपर बॉडी उसको सीधा रखना है। फिर इस तरह से आपने दोनों पीसीस को इस तरह इकट्ठा जोड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है। बटन टेक जो हमने तैयार किया है अपर बॉडी का उसकी सिलाई और जो आसन की सिलाई है वो बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। इस तरह से आपने यहाँ जो है पूरा पहले नाप लेना है कि इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी बेशी हो दोनों पीसेस में किसी में से भी तो आप थोड़ी सी और सिलाई करके उसको एडजस्ट करके एक जैसा आपने करना है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है वेस्ट की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कुछ किस तरह आ रही है, ठीक है। ये वेस्ट लाइन की मैंने सिलाई लगा ली है और अब जो नीचे ट्राउज़र है उसकी भी मैं फोल्डिंग आपको दिखा रही हूँ किस तरह आपने करनी है। ये 2 इंच की मैंने फोल्डिंग का मार्जिन जो लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया। और देन जो ट्राउज़र की सेंटर सिलाई होती है वो भी मैंने लगा ली थी। अब जो वेस्ट है हमारा ट्राउज़र का और बॉडी का उसके ऊपर मैंने ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको स्टिच करना है। 2 इंच का फैब्रिक लेके मैंने जहाँ पर हमारी बटन टेक थी बॉडी की अपर बॉडी में जो हमने बटन टेक बनाया था बिल्कुल उसके साथ रख के ये थोड़ा सा इसका जो हिस्सा है इसको मैंने फोल्ड कर लिया था कपड़े का। और देन जो वेस्ट लाइन है उसके ऊपर रख के मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये वेस्ट लाइन की जो सिलाई है वो इस कपड़े के मिड में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये 1/2 इंच ऊपर आएगी एक सिलाई जो है वो जो वेस्ट स्टिचिंग है वेस्ट की सिलाई है कमर की वो उससे एक 1/2 इंच जो है नीचे आएगी, ठीक है। इस तरह से एंड करना है आपने कि थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने इलास्टिक जो है यहाँ फिर इंसर्ट करना है अंदर, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह इसकी खुली चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने स्टिच कर लेना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये आपने स्टिच करके एंड कर लेना है और देन जो दूसरा हिस्सा है कपड़े का उसको भी आपने यूँ अच्छे से फोल्ड करके तो उसकी भी सिलाई लगा देनी है। अब बारी आती है इलास्टिक की। इलास्टिक जो मैंने यहाँ पे लिया है वो 17 इंच का लिया है, डबल फोल्ड होके वो 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अंदर जो है इलास्टिक यहाँ जो मैंने अभी इसके लिए एक फैब्रिक अटैच किया था वेस्ट लाइन पे उसके अंदर जो है ये मैं इलास्टिक जो है इंसर्ट कर रही हूँ। और इसकी आप देख सकते हैं ये मैंने सिलाई भी लगा ली थी, ठीक है। दोनों हिस्से मिला के फिर मैंने सिलाई लगा ली थी और अब जो है इलास्टिक को खींच के आपने इक्वल करके यहाँ पे फाइनल स्टिच भी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी जो है कंप्लीट लुक आपको अब दिखा रही हूँ। ये आर्म होल पे जो मैंने कपड़ा अटैच किया था वो और देन गले की भी आप सफाई देख सकते हैं। बटन टेक पे जो है मैंने 2 काज जो है वो बना के यहाँ पे बटन 2 लगा लिए थे। और ये वेस्ट लाइन आप देख सकते हैं इलास्टिक के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। और नीचे ये ट्राउज़र की पूरी कंप्लीट लुक। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की बेबी रैम्पर या जम सूट भी से कह सकते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग से स्टिचिंग आइडिया या ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।